अपडेट के तौर पे इसमें जो हुआ है वो मैं रहा सवाल ऑन रोड प्राइस का, स्लीपर क्लच और ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें ऐड। बजाज पल्सर आरएस 200, द नॉटी बॉय, द बैड बॉय ऑफ बजाज फैमिली। ओहो, जरा पल्सर आनो प्रोजेक्टर हेडलाइट तो देखो भैया, हम लौंडों का ये दिल जीत लेती है। ये एक ऐसी मोटरसाइकिल है, ये देखो कितनी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है सामने से यार। कमेंट सेक्शन आपका है भाई, दिल पे हाथ रख के बोलना, सच बोलना, क्या ये मोटरसाइकिल आपकी फेवरेट है? अगर है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। सेम बजाज पल्सर आर एस 200 आपको ट्रांसफॉर्मर मूवी बम्बल बी की तरह से आपको फ्रंट से देखने को मिलेगी। ट्विन प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ आपको ये मोटरसाइकिल आती है, साथ ही साथ आपको LED DRL लाइट्स और इसमें जो इंडिकेटर है सेम KTM वाले आपको LED इंडिकेटर इसमें इंस्टॉल करके मिल जाने वाले हैं। और दोस्तों जो इसमें मेन अपडेट जो कंपनी द्वारा किया गया है, वो सबसे पहला अपडेट आपको इसमें E20 यानी कि इथेनॉल 20 वाला आपको फ्यूल आप इसमें ऐड ऑन करवा सकते हैं। साथ ही साथ इसमें आपको BS6 फेज 2 वाला इंजन आपको इसमें लगा के दिया गया है। इट मीन टू से दैट बाइक और भी रिफाइंड हो गई है, बाइक चलने में और आपको स्मूथ आपको पिटेंट होगी। दूसरा जो अपडेट इस बाइक में आपको देखने को मिलेगा, ये देखो बाइक का मीटर देख लो, मीटर आपको कंप्लीट आपको डिजिटल और एनालॉग कॉम्बिनेशन के साथ मीटर तो मिलता है, बट जो सॉफ्टवेयर वाइज जो अपडेट हुआ है इस मोटरसाइकिल में वो अब आपको इसमें गियर पोजीशन इंडिकेटर भी ऐड ऑन कर दिया गया है। ये देखो गियर पोजीशन इंडिकेटर भी इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये बाइक आपको कि इस बाइक में आपको डिस्टेंस टू MT, रियल टाइम माइलेज वगैरह इसके मीटर पे शो हो जाने वाला है। ये एक सॉफ्टवेयर वाइज अपडेटेड है, बाद बाकी जो मीटर का जो लुक है डिज़ाइन है सेम आपको ओल्ड पैटर्न फॉर्म पर ये मीटर बेस्ड है। चाबी देख लो, चाबी आपको सेम NS200 और RS200 का सेम डिज़ाइन में देखने को मिलेगा। और स्विचेस की जानकारी में तो ये रहा इसका हाई बीम लो बीम स्विच, पास लाइट स्विच, इंडिकेटर और हॉर्न मैं आपको सुना देता हूँ। सिंगल हॉर्न है बट आपको लाउड हॉर्न इसमें कंपनी ने इंस्टॉल करके दिया है। दूसरे साइड में आपको रेड कलर में इंजन किल स्विच, नीचे की तरफ सेल्फ स्टार्ट का बटन मिल जाएगा। फ्यूल टैंक आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है। और सबसे मेन अट्रैक्शन का जो पॉइंट है जो हम यंगस्टर में एक थ्रिल पैदा करता है वो ये है पल्सर। ये सिर्फ नाम ही काफ़ी है, इसका जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है दोस्तों लगभग आपको इसमें 13 लीटर का आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाता है। और जो माइलेज है वो ये मोटरसाइकिल आपको लगभग 35 से 38 के बीच का माइलेज ही आपको निकाल के दे देगी। बाद बाकी जो माइलेज होता है वो आपके राइडिंग स्किल और बाइक के मेंटेनेंस पर भी डिपेंड करता है। सेफ्टी पर्पज़ की अगर हम बात करें तो फ्रंट में आपको 300 mm का आपको पेट्रोल डिस्क मिलता है। डुअल चैनल ABS के साथ इसका आपको ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। फ्रंट टायर साइज आपको 180/17 का आपको फ्रंट में टायर साइज लगा के दिया जा रहा है। मेरे हिसाब से बजाज को चाहिए था इसमें अब USD डॉन फोक लगा के देने का, क्योंकि देखो NS200 में और NS160 में USD डॉन फोक्स कंपनी ने अपडेट कर दिए, लेकिन बजाज ने अभी तक अपनी मोस्ट लवेबल मोटरसाइकिल बजाज पल्सर RS200 में USD डॉन फोक्स अभी तक इसमें नहीं अपग्रेड किया है। क्या पता आने वाले कुछ दिनों में इसमें USD डॉन फोक्स इसमें लगा के दे दिया जाए। बैक से देखोगे तो टेल पैनल पर आपका RS200 की ब्रांडिंग और जो मेन जो इसका जो अट्रैक्शन का पॉइंट है फ्रंट लुक के बाद वो इसका बैक का जो आपको डायमंड कट LED टेल लाइट सेटअप है, जो कि अपने सेगमेंट में एक लौती मोटरसाइकिल है जिसका आपको टेल लाइट सेक्शन आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलता है। बैक टायर साइज आपको वही 130/70/17 वाला आपको बैक में आपको टायर साइज लगा के टायर साइज आपको देखने को मिल जाता है। 230 mm का बैक में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है, बायब्रेक के कैलिपर्स मिल जाते हैं, नाइट्रोक्स मोनो सस्पेंशन आपको बैक में लगा के मिल जाने वाला है। और इसका जो एग्जॉस्ट है कुछ इस प्रकार है। बाइक स्टार्ट करके मैं इंजन साउंड सुना देता हूँ। ओके, तो पल्सर RS200 के दीवानों, आपको ये बाइक का गुर्राना, इसकी आवाज़ कैसी लगी लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। दोस्त बजाज पल्सर RS200 एक ऐसी मोटरसाइकिल है बजाज ऑटो इंडिया की तरफ से जो हर बंदों की, हर मिडिल क्लास बंदों की ये एक ड्रीम मोटरसाइकिल है। जो मेरा भाई ये वीडियो देख रहा है उसकी ये ड्रीम मोटरसाइकिल है कि नहीं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और बाइक का जो दूसरे साइड का लुक है आप देख सकते हो, ये देखो सेफ्टी पर्पज़ की अगर बात करें तो डुअल चैनल ABS इसमें मिल जाता है। साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ का सेंसर भी इसमें दिया गया है। नंबर ऑफ गियर इसमें आपको 6 मिल जाते हैं।
थे, बट इसमें कंपनी ने अभी तक स्लीपर क्लच एड ऑन नहीं किया है। बट हो सकता है आने वाले इन फ्यूचर में बजाज कंपनी अपनी आर एस 200 में स्लीपर क्लच और ट्रैक्शन कंट्रोल भी इसमें अपडेट कर दे। क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलता है, इसका जो सीट का जो कुशन है आपको सॉफ्ट मिलेगा देखने को, लगभग 800 mm का इसमें आपको सीट हाइट दिया गया, सीट कंफर्टेबल है। इसी वजह से भाई पल्सर आरएस के जो फैन फॉलोवर हैं वो उसका उनका लेवल ही कुछ और है भैया, नेक्स्ट लेवल इस बाइक की फ़ैन फॉलोविंग है इंडिया में। अब इस बीस्ट का डायमेंशन के ऊपर अपन लोग होमवर्क कर लेते हैं। देखो इसका जो आपको व्हील बेस है इस मोटरसाइकिल का वो आपको 1345 mm का व्हील बेस है। कर्व वेट इस मोटरसाइकिल का 166 kg इसका कर्व वेट आएगा। और दोस्तों जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको लगभग इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से बजाज पल्सर आरएस 200 का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 157 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस दिया गया है। अब बारी आती है भैया इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, मैं आपको शॉर्ट करके इस मोटरसाइकिल से रिलेटेड मैं आपको समझा देता हूँ। देखो दोस्त, इसमें बजाज कंपनी द्वारा जो आपको प्रोवाइड किया जाता है 199.5 cc का सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक लिक्विड कूल DTSI ट्रिपल स्पार्क टेक्नोलॉजी के साथ BS6 फ्यूल इंजेक्टेड BS6 फेज 2 इंजन, जिसकी जो मैक्सिमम पावर है वो आपको लगभग 24.5 PS का ये पावर जनरेट करेगी 9750 RPM पे। और जो मैक्सिमम टॉर्क जो इसका इंजन आपको आउटपुट निकाल के देने वाला है वो लगभग आपको 18.7 NM का टॉर्क की आउटपुट निकाल के ये मोटरसाइकिल आपको दे देगी लगभग 8000 RPM पे। लेकिन मेरे हिसाब से बजाज कंपनी को जब इस प्राइस पॉइंट पे जब वो इतना प्राइस ले रहे हैं, एटलीस्ट इसमें स्लीपर क्लच और ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें एड ऑन कर देना चाहिए था। बात बाकी आपकी क्या राय है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, अब आते हैं मॉडल ऑफ द स्टोरी पे। दोस्तों अगर आपका बजट 2 लाख से लेकर 2,15,000 के बीच का है और इसी बजट में आप खोज रहे हो बहुत ही बेहतरीन मोटरसाइकिल जो कि पावर, लुक, माइलेज, कंफर्ट, आफ्टर सेल सर्विस और रीसेल वैल्यू भी आपको अच्छा खासा प्रोवाइड कर दे, साथ ही साथ उस मोटरसाइकिल पर आप लॉन्ग राइड भी करना चाह रहे हो, तो बजाज पल्सर आरएस 200 इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ओहो राजा जी, आप लोग को तो बहुत देर से इंतजार होगा कि आमिर भाई इसका प्राइस कब बताने वाले हैं। तो भाई देखो, इसका जो बजाज पल्सर आरएस 200 BS6 OBD2 BS6 फेज 2 इंजन के साथ जो 2023 मॉडल का जो एक्सशोरूम प्राइस रखा गया नए आपको 1,74,598 रुपया इसका एक्सशोरूम प्राइस है। अब ऑन रोड प्राइस की बात करें तो भैया देखो, ऑन रोड प्राइस अपने अपने डिस्ट्रिक्ट अपने अपने स्टेट के RTO इंश्योरेंस टैक्स के हिसाब से वो डिसाइड होता है। तो ऑन रोड प्राइस जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए बजाज शोरूम को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए इसी नोट पर करते हैं वीडियो को खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, बजाज कंपनी द्वारा इस बाइक में आरएस 200 में क्या अपडेट आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो भी आप कमेंट करना, ना पसंद आया तो भी कमेंट करना। तो वीडियो करते हैं इसी नोट पर खत्म। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले दीजिए इस बाइक को इजाजत। लिव फ्री, राइड हार्ट एंड अ सेफ राइड। क्या बीस्ट है बाबा।